में इतना ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग कर लिए थे और थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है, बोलेरो वाला मार कर निकल गया। अब बताइए अब क्या बीतती होगी उनके घर के परिवार के, बोलने में सुनने में आ रहा है कि वो शादीशुदा थे और अभी छोटे छोटे बच्चे थे। सोचिए अब उनका जो सारी ज़िंदगी पड़ी है, उनकी वाइफ की, उनके बच्चों की जो देख रेख है जीवन की, वो कैसे होगी। सेफ रहिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है दोस्तों, बार बार नहीं मिलती है। पता नहीं किस जन्म में हम लोग अच्छा काम किए थे, शायद इस जन्म में हम लोग को ये मानव रूपी शरीर मिला है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और दोस्तों अब जर्नी जो है शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरू में जब अभी मॉर्निंग में जब हम उठे हैं तो होली खेलने का बिल्कुल ही मूड नहीं था। अभी जो आप होली देख रहे हैं, लगभग 2 बजे के टाइम में ये होली का जो ये अभी मेरे सिर पर लगा है, यही के डॉक्टर जो हैं इन्होंने सबसे पहले मुझे होली लगाया दोस्तों। अभी सब मेरा हेल्थ जो डाउन चल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा मुझे फीवर जैसा महसूस हो रहा था, तो जस्ट हमने यहाँ पर आए हैं, मेडिसिन वगैरह लिए हैं, एक इंजेक्शन भी लगाया दोस्तों। तो होली खेलने का बिल्कुल ही मूड नहीं था क्योंकि अंदर से मन बहुत उदास था मेरा। तो जब यहाँ पर आए हैं तो डॉक्टर साहब, ये हमारे बचपन के डॉक्टर साहब हैं, जब से हम लोग हमारा होश नहीं था, मतलब यूँ समझ लीजिए 1 साल के थे, उस समय से हमारा ट्रीटमेंट करते हुए आज तक ये हमें ट्रीटमेंट करते हैं। कभी भी थोड़ी सी भी इशू होती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं डॉक्टर साहब। तो इनको हम मना नहीं कर सकते थे। गांव में लोग, कई लोग हमें लगाने की कोशिश किए हैं, अभी लगाने की कोशिश किए हैं, लेकिन हम लोग को बोल दिए हैं क्योंकि अंदर से थोड़ा सा दुखी थे। लेकिन जब ही उसका प्रॉब्लम हल हो चुका है, उसके बाद से तब अंदर से थोड़ी सी पॉजिटिवली एक एनर्जी आई है कि हाँ मुझे भी खेलना चाहिए, क्योंकि ये साल में एक बार आता है दोस्तों। तो यहाँ आने के बाद अब लगाने जा रहे थे, तो इनको हम मना नहीं कर सकते, सबको हम मना कर दिए थे, लेकिन यहाँ तक घर के भी लोग भी कोई लगाने आए थे उनको बोल देते। लेकिन डॉक्टर साहब ये वो पर्सन है जिन्होंने आज तक हमारे लिए कभी बुराई नहीं सोची, हमारे हेल्थ के बारे में ही सोचा, हमें जितना भी दिक्कत हुआ इन्होंने ही हमें इस काबिल बनाया कि हम लोग आज इतना हेल्पफुल होकर के आज आप लोग के सामने इस तरह हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं और नए नए जगहों का कंटेंट आप लोग के पास लाते हैं दोस्तों। तो इन्होंने जो कुछ भी किया उनको हमने विश किया है। तो अब जो होली की जर्नी है यहाँ शुरुआत करते हैं और अब घर पहुँचते हैं। अब आपको पूरी गाँव की भी क्या एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें आपको इस होली वाले ब्लॉग में आप लोग देखेंगे दोस्तों। तो अभी इस वक्त हम बेलवा चौराहे पर हैं, अब यहाँ से आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको दिखा सके हैं। हम इस वक्त बेलवा टिगर में हैं और यहाँ अपने फ्रेंड के घर पर आए थे, तो बस बोले हैं खाना खाने के लिए कि हम ऑलरेडी पेट भरा हुआ, तो खाना कोई क्या खाएगा, तो बस थोड़ा सा मीठा खाएँ और मीठा में गुजिया खाएँ। अब यहाँ से निकलते हैं वापस घर और अपने गाँव चलते हैं, और फिर उसके बाद फिर गाँव पर और विजिट करना है, तो अभी वहाँ देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली है। आइए थोड़ा आपको यहाँ की एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं लोग। हेलो दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम आपने देखा कि अभी हम आपको पहले बेलवा टिकर का आपको व्यू दिखाएं, उसके बाद से हम बेलवा टिकर में ही जो एक डॉक्टर हैं, बंगाली डॉक्टर हैं, तो उनके क्लिनिक पर सबसे पहले हम गए हैं, अपना ट्रीटमेंट कराए हैं, इलाज कराए हैं, और चेक हुआ है तो पता चला कि मुझे मतलब फीवर हुआ था, हल्का ही था लेकिन था। तो उसके बाद इंजेक्शन वगैरह लगाया, दवा दिए हैं। होली खेलने का शुरू से ही कोई मूड नहीं था, क्योंकि जब यार दिल में अगर अंदर से खुश ना हो मन, तो कुछ भी करने को मन नहीं करता है। तो कल से ही थोड़ा सा ज़्यादा छोटी बहुत टेंशन आ जाती है, लेकिन अब उस टेंशन का जो हल था वो हमने निकाल लिया है। तो अब उनको, क्योंकि बचपन से हमको इलाज करते हुए आ रहे हैं वो, तो उनको तो अब मना भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा कि ठीक है, हमने कह दिया कि ठीक है लगा लीजिए कोई बात नहीं। वो उसके बाद से बेलवा टिकर वहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ का कंडीशन आपने देखा कि, क्योंकि वहाँ भी जाना ज़रूरी था क्योंकि रोज़ नहीं जा पाते, कम से कम एक दिन अपने जो फ्रेंड सर्कल में है, जो अपने बहुत ही करीबी दोस्त हैं, कम से कम एक दिन उनके घर भी तो जाना जरूरी बनता ही है। ये आप लोग भी अपने दौर में, आप लोग के भी जो भी सराउंडिंग में, स्कूल में जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग के भी बहुत सारे दोस्त होंगे, और कहीं ना कहीं आप लोग को भी बहुत खलता होगा जब आप लोग घर नहीं रहते होंगे और ये होली का जो ये त्यौहार है आता होगा, तो कितना मिस करते होंगे, कितना याद करते होंगे आप लोग अपने घर की और अपने दोस्तों की, कि वहाँ जाते थे, खुशियाँ बांटते थे, कि
कितना अच्छा लगता था एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, खुद को रंग लगाना, दोस्तों को रंग लगाना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खलती थी दोस्तों। आज देखिए मेरे पास पैसा, रंग, हर चीज़ होते हुए भी इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आज बहुत अकेलापन महसूस हुआ। जानते हैं क्यों? पिछले साल तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो थे वो थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर दोस्त ना हो तो वो खुशी का कोई मोल नहीं रहता है, वो खुशी खुशी नहीं दिखाई देती है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उस खुशी को और ज़्यादा रौनक लाने में दोस्तों का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो आई थिंक ये आप चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो पहला तो टेंशन था कि कल से ही इंटरनली प्रॉब्लम था, तो उसका हल हमने निकाला। और जब धीरे धीरे दिमाग में थाट यही आ रहा था कि जब अपने करीबी दोस्त ही नहीं है तो किन के साथ कोई होली खेलेगा, कोई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खली। तो इसलिए हमने सोचा है यार कि इस बार होली बहुत सुना सुना लग रहा है, कोई मतलब नहीं बनता होली खेलने का। तो बस वही वहाँ गए थे, क्लिनिक पर अगर नहीं गए होते उनके तो शायद ये भी होली बिल्कुल सुना सुना ये 2024 का जाता ही, और गया भी है। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे, क्योंकि हर समय वक्त एक जैसा नहीं रहता है, हर वक्त पे अपना हर टाइम कोई नहीं रह पाता है। कभी कभी ऐसा दौर भी आता है कि अपने होते हुए भी हम अपनों से दूर रहते हैं, और कभी कभी अपने होते हैं तो सपनों से दूर रहते हैं। ये तो ज़िंदगी का एक दस्तूर है, आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें थी। इस वक्त घर पर आए हैं और कहीं दूर नहीं गए हैं, बस बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे बस दो ही लोग को इनवाइट भी किए थे, उन लोगों को खाना खिला के फिर उसके बाद उनको घर पर छोड़ दिए हैं। और कोई भी डॉक्टर के अलावा मुझे कोई भी रंग नहीं लगा पाया, आए लोग कहने के, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसा लगता था कितना अंदर से उदासीपन छाया रहता था। आज 10,000 लोगों की भी आज मेरे पास परिवार है, लेकिन इसका कोई रियल लाइफ में कहा जाए तो रोल है, लेकिन आज कमी कितना महसूस हो रहा था कि आज मेरे पास 10,000 फैमिली हैं लोगों की, लेकिन फिर भी आज भी कितना अकेलापन महसूस हो रहा था। शायद यही वजह है कि दोस्तों कि आज हमने अपने चैनल पर एक बहुत ही सैड रील्स था जो हमने त्रिवेणी नदी का बनाया है, तो वहाँ हम लोग ये चीज़ सोच के गए थे कि हम उसको बनाएंगे और आप लोग के पास ज़रूर सेंड करेंगे। होली वाला जो कंटेंट था हमने नहीं पोस्ट किया, क्योंकि अब जेन्युइन चीज़ें ही आपको दिखाया जाएगा, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो 100% ट्रू है, वही चीज़ें आपको शो करेंगे, क्योंकि ये लाइफ टाइम तक चलेगा दोस्तों। क्योंकि आज कोई इतिहास उठाए चाहे नहीं उठाए, लेकिन आगे चल के अगर कोई बंदा हमारे चैनल पर अगर आएगा, अगर इतिहास उठाएगा, तो उसे समझ आएगा कि यार सच में बंदा जीरो से बिल्कुल शुरू किया था और तब जा कर के कहीं इस पोजीशन पे पहुंचा है दोस्तों। तो बस मैं यही कहूंगा यार कि आप लोग भी जहां भी रहें बस एक रिलेशनशिप हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि ज़िंदगी में अगर रिलेशन सही नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, दोस्त नहीं है, परिवार नहीं है, तो ज़िंदगी का कोई मोल भी नहीं रहता आपको। तो बस एक ज़िंदगी बस एक मुकाम की तरफ बन के रह जाती है दोस्तों। तो ये सब तो रही रिलेशन वाली बात, दोस्तों की बात, परिवार की बात, त्यौहार की बात दोस्तों। अब एक और आपको मुद्दा बता दूं दोस्तों कि एक और इसी में एक और थी है कि जब ये होली आता है तो कुछ लोगों को ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वो लोग कितना ज़्यादा आउट ऑफ यानी ओवर हैप्पीनेस हो जाता है उनका, और न चाह के भी अपनी जान माल की हानि कर लेते हैं लोग। जब हम वहाँ पर गए थे दोस्तों तो आपको बता दूं कि क्लिनिक पर गए थे, कम से कम 4 लोगों का प्लास्टर हेड पर हो गया था, 2 लोग का अभी हो रहा था दोस्तों। क्योंकि जब ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती है कि यार होली मनाइए, आप लोग अच्छे से मनाइए दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अन्य किसी गांव के या फिर सिविलियन या फिर सिटी में जहां कहीं भी हो, लेकिन इतना ना आप खुशी के में इतना और इतना ड्रिंक ना कर लीजिए कि अपने ही जान माल का हानि हो के। अभी रिसेंट में ही जब वहाँ पर हम थे दोस्तों तो पुलिस कर्मचारी यानी पुलिस डिपार्टमेंट भी वहाँ पहुँच गई है, लोग एब्यूजिंग दे रहे थे कि यार तुम लोग ऐसे झगड़ा कर रहे हो, ऐसे करते हो तुम लोग, चलो थाने तुम लोग को बताता हूँ। अब बताइए ऐसा होली खेलने से क्या फ़ायदा कि अपने तो गए गए, साथ में जिसको अदर जो गार्जियन है जो लोग हैं उनको भी हम ले कर चले गए, अब थाने का कोर्ट कचहरी का मामला हो गया। अब एक दिन की होली थी, अब हफ्ते दिन महीने दिन
कई महीने भी लग सकता है उसको केस को ख़त्म होने में, या फिर ना भी हो, मुकदमा चलता ही रह जाए। तो इस तरह का होली खेलने से क्या मतलब है दोस्तों? कहीं पर देखिए ऐसा होली खेला जा रहा है कि आपने देखा ही है कि पानी नीचे फर्श पर, नीचे ज़मीन पर पानी है, उस पर आप लोग डांस कर रहे हैं। अभी आप लोग ही बताइए कि अगर ऐसा हो, कहीं भगवान न करें अगर पैर फिसल जाए, तो आज के करेंट टाइम में जन्म करते हैं आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो खाद्यान्न है, ये कितना ज़्यादा इसमें मिलावट वाली चीज़ें, खाद की मतलब यूरिया है, डाई है, इन सब का कितना ज़्यादा ग्रोथ है। क्योंकि आज के टाइम में और 20 साल के पीछे चले जाएँ तो इतना जो फसलों की उपज है, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे कोई भी फसल हो, इतना पैदावार नहीं होती थी। और आज वही धरती है, देखिए आज कम खेती में ही कितना ज़्यादा फसलें और कितना ज़्यादा अनाज उगता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं साइंस फिक्शन का भी, साइंस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो हेल्थ के मामले में कितना ज़्यादा शरीर, अगर डेली हम लोग एक्सरसाइज वगैरह ना करें तो शरीर कितना ज़्यादा वीक हो जाता है दोस्तों। तो अपने में ही झगड़ा कर लेते लोग, और अब देखिए वो लोग अब थाने पे जाएंगे, अब आगे रिपोर्ट लिखाया जाएगा किसका झूठा है किसका सच है, ये तो अब अंधा कानून है, तो जानबे करते हैं आप लोग। तो बस यही सजेशन दूंगा कि आप लोग भी होली का एंजॉय करिए, लेकिन इस तरह ना करिए कि आपको ही अपने घर से, अपना शरीर से आपको दुख परेशानियाँ झेलना पड़े, आगे चल के और ज़्यादा दिक्कतें झेलना पड़े। तो इस तरह का भी होली आप लोगों ना खेलिएगा, मैं तो बस यही सजेशन दूंगा। इस बार पिछले साल तो हमारे गांव में कभी ना कभी झगड़ा हो जाता था, लेकिन इस बार देखिए पूरा होली बीत गया, अभी शाम के लगभग 5 बज रहा है, लेकिन इस वक्त तक अभी कोई हल्ला शोरगुल नहीं देखने को मिला है, खास करके हमारे ग्राम सभा में, हरकपुरा में। लेकिन आपको बता दूँ कि महाराजगंज से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आज के दिन नहीं कुछ तो कम से कम 20 लोगों की जान तो गई ही होगी, इतना मान के चलिए 32-34 लाख की जनसंख्या है। आज होली के दिन अपने ही सिसवा ब्लॉक के, नहीं घुगली ब्लॉक के मैं बात कर रहा हूँ, 2 लोग 4 लोग मरे हैं, 2 लोग हरपुर महंत से सुनने में आया कि मर गए लोग, एक्सीडेंट हो गया है, और 1 लोग हैं जो बेलवा टेकर के, वो तो हाल ही में भी जस्ट उस गांव से हम विजिट करके आए हैं, वहाँ के भी 1 लोग थे, शायद ने इतना ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग कर लिए थे और थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है, बोलेरो वाला मारकर निकल गया, वो भी क्या करता को, क्योंकि उसकी गलती ना भी हो तो अभी भी जनता उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करेगी कि उससे बेवजह ही, जितना ज़्यादा उसका किया नहीं होगा उससे ज़्यादा उसको भुगतना पड़ जाएगा। उसने भी मार करके भाई लग गया, चोट भाग गया, अपनी जान बचा ली। अब बताइए क्या बीतती होगी उनके घर के परिवार के, बोलने में सुनने में आ रहा है कि वो शादीशुदा थे और अभी छोटे छोटे बच्चे थे, सोचिए अब उनका जो सारी ज़िंदगी पड़ी है, उनकी वाइफ की, उनके बच्चों की जो देख रेख है जीवन की, वो कैसे होगी, उनकी पालन पोषण कैसे होगा, कौन करेगा, उनकी जिम्मेदारी लेगा वो। तो ये सब भी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक तरफ से, कि आप लोग होली का एंजॉय करिए, लेकिन इस तरह ना करिए कि जान गंवाना पड़ जाए, जान से हाथ धोना पड़ जाए दोस्तों। यही सब बातें थी, आई होप आप लोग समझे होंगे कि होली कितना अपने आप में खास भी है और कितना ज़्यादा ज़्यादा डेंजर भी है। यदि इंसान अगर इसे होश हवास में मनाए तो बहुत अच्छी बात है, और जो ही इससे बाहर चला जाएगा तो ये हर वो खुशी एक बड़ा घातक चीज़ बन के रह जाती है दोस्तों। तो यही सब बातें थी, अगले आने वाले नेक्स्ट कंटेंट में आप लोग नेक्स्ट डे में, यानी कल आपका ट्यूसडे है, तो कल आपको हमारी स्टोरी जर्नी में आपको वीडियो देखेंगे कि लगभग 1 हफ्ते में हमने कितने सारे जगहों का, प्लेसों का भ्रमण किया, वहाँ का सारी चीज़ें हमने देखा और उनका हमने ब्लॉग शूट किया है। क्योंकि अब महाराजगंज जनपद की कोई भी ऐसा लोकेशन नहीं है जिसको हमने विजिट नहीं किया है। अगर आप सेपरेट कहीं लोकेशन का, अपने गांव, मोहल्ले, सिटी चौराहे या फिर टेंपल, मस्जिद, किसी भी लोकेशन का अगर आपको ब्लॉग वीडियो शूट करवाना है तो कमेंट में हमें बताइए, हम आपको नंबर देंगे, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरह की प्रोसेस है। तो ये भी पॉसिबल हो चुका है दोस्तों, तो हम इसी चीज़ें को सेपरेट में लेकर आएंगे। तो यही सब दिक्कत थी, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना घातक है, कितना नहीं, सेफ रहिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है दोस्तों, बार बार नहीं मिलती है, पता नहीं किस जन्म में हम लोग अच्छा काम किए थे, शायद इस जन्म में हम लोग को ये मानव रूपी शरीर मिला है दोस्तों। तो इसका सदुपयोग करिए, ज़िंदगी में खुश रहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने देश, अपने जनपद का नाम रोशन करिए दोस्तों। मैं भी प्रयास में लगा हूँ, आगे देखिए अब क्या कर सकता हूँ, अब तो आगे प्लान जारी है, हम लोग का काम रुका नहीं है, बस हर दिन काम में लगे रहते हैं, आज भी हम लगे थे, लेकिन बस जो ही वहाँ से थोड़ा सा टाइम में टर्निंग आया तो थोड़ी बहुत हंसी मुलाकात हुआ, बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं दोस्तों।
क्योंकि इस बार होली बिल्कुल सुना गया है आपको। तो चलिए ये सब बातें थी, आई होप आप लोग समझे होंगे कि ज़िंदगी बहुत ख़ास है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंटेंट पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।